तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रुपेंद्र बुलवर शो पे। आज हम फिर हाजिर है नए इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुलेट के रियर टायर के बारे में, कि हमें टायर ट्यूबलेस करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, कितने नंबर का टायर पाना चाहिए, कौन सा टायर हमारे लिए बेस्ट है, अगर टायर पाते तो अगर छोटा टायर पैर बाई चांस आपने डलवा भी लिया है तो ऐसा क्या करें कि हमारा मरगाड़ के अंदर ना लगे, क्योंकि जो हमारी स्टैंडर्ड बाइक है उसके अंदर ही लोग ऐसी मॉडिफिकेशन कराते हैं भाई, क्योंकि क्लासिक हमारे पहले ही छोटा टायर आता है और हम इलेक्ट्रा में जैसे करते हैं उसके अंदर शॉकर हमारे पहले ही बड़े होते हैं, उसके अंदर हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो खैर इस वीडियो में बात करने वाले हम स्टैंडर्ड के बारे में, अगर आप टायर छोटा टायर डलवाते हैं उसको डलवाने के बाद आप जब बाइक को चलाते हैं तो हमारा टायर लगता है मरगाड़ों में और जिसकी वजह से हमारी आवाज होती है और टायर कटने का भी खतरा रहता है। तो इसमें इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं क्या करें। देखिए तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आप टायर जो कंपनी देती है हमें वो ही डालना चाहिए, क्योंकि उसका टायर होता है 3-25-19 हमारा नंबर होता है, पर हमने इसके अंदर डाला है देखिए 110-90-19 ये टायर हमने डाला है इसके अंदर। देखिए पहले तो आप सिंपल हो उसके सिंपल चलाए, क्योंकि हमारा जो कंपनी वगैरह आपको पता है टेस्ट करके अच्छी तरह देती है और अपना उसके तो सिंपल ही पड़ा, क्योंकि टायर डालने के बाद हमारी गाड़ी थोड़ी हैवी चलती है और माइलेज में थोड़ा फर्क पड़ता है। तो खैर फिर भी शौक का कोई मोल नहीं है, शौक के हमारे हम लोग कराते हैं कि भाई हमें तो छोटा टायर डालना है, कोई बात नहीं, एवरेज से कोई किसी को मतलब नहीं होता। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो मैं हमारी तान है ये वाली ये शॉकर की साइड मिल तो नहीं रही, ज्यादा गैप तो नहीं हो रहा, मतलब ये प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए। ज्यादा अगर क्या होता है कि कई भाई हैवी हैवी जो बुलेट रखते हैं हल्के बंदे तो रखते नहीं है, ज्यादातर हैवी वेट ही होता है, उनका हैवी वेट होने के कारण अपना जो बैठते हैं तो कमानी ऐसे खुल जाती है, कमानी खुलने के बाद जो हमारे मरगाड़ है टायर के टच होने लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है। सेकंड कमी हमारी क्या है, जो हमारी बोल्ट है ये 10 नंबर के, क्या भाई क्या करते हैं अपना ये निकाल कर इसको लंबे नट लगवा देते हैं, क्योंकि ये हर जगह नट मिलते नहीं है, क्योंकि स्पेशल नट होते हैं ये, लंबे नट होने के बाद हमारे टायर यहाँ पे लगता है, दूसरी कमी है। और सबसे लास्ट है और अपना जो मेन कमी सबसे है, तो आपको क्या करना है, सारे काम आपने करा दिए फिर भी गाड़ी सेट नहीं हो रही, तो आपको क्या कराना है, जो हमारे शॉकर है इसकी हमें लेंथ थोड़ी बढ़ानी होती है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे इलेक्ट्रा में कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रा में गैस वाले शॉकर उसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, पर स्टैंडर्ड के अंदर हमें सिंपल अलॉय व्हील मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ये चीज स्टैंडर्ड में ही जरूरी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रा होगी क्लासिक होगी उसके अंदर पहले से ही, क्लासिक के अंदर तो आपको पता है कि पहले छोटा टायर आता है उसके अंदर नहीं लगता, क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके हमारे जो शॉकर होते हैं पहले ही लेंथ उनकी जब भी ज्यादा लंबी होती है, उसके अंदर गैस वाले शॉकर होते हैं, इसके अंदर हमारे सिंपल है। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्लासिक और इलेक्ट्रा हमारे किस टाइप के शॉकर होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये अपना क्लासिक बाइक है, इसका टायर देखिए इतना छोटा है, इसका भी 110-90-19 है अपना टायर, और ये देखिए इसकी लेंथ ज्यादा है शॉकरों की, शॉकरों की लेंथ होने के बाद हमारे क्या होता है मरगाड़ और जो हमारा और टायर वाला गैप है वो ऊंचा हो जाता है, तो मरगाड़ लगने का कोई भी चांस नहीं होता। और ऐसे इस टाइप से हमने यहाँ करा है, देखिए साथ में तो इसके जो ये देखिए इस टाइप के शॉकर होते हैं इसको हटाकर हमने इस तरह लंबे करवा दिए, ये काम करने के बाद आपके टायर नहीं लगे और हैवी वेट बैठेगा तो फिर भी ज्यादा आगे जाके हो सकता है, पर आप नॉर्मली बंदे ज्यादा वेट बैठाना चाहिए बुलेट के ऊपर, क्योंकि दो टू व्हीलर है, टू व्हीलर तो दो बंदे के चलाने के लिए होते हैं, यानी कि आप 4-5 बंदे बैठाओगे इस पर हैवी वेट वाले वो भी अपना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके।